यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की दोस्तों जो अगर तो आप तैयारी करते हैं पुलिस भर्ती की तो दोस्तों आप सभी लोग इन दस प्रश्नों को रट लीजिए क्योंकि आपका पेपर 2024 के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान जी के जी के क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 38 नंबर का आपका जी के जी पूछा जाता है तो हमने जिन बच्चों के पास बहुत ही कम समय रहता है पढ़ने के लिए उनके लिए बहुत ही कम समय में आपके लिए दस प्रश्नों का फटाफट रिविज़न के लिए इस क्लास को आज से चालू किया गया है तो आप सभी लोग आज ही से इन दस प्रश्नों को रटना चालू कर दीजिए आपके एग्जाम तक दस दस जुड़कर ये दस क्वेश्चन आपके दस हज़ार हो जाएंगे आपके लिए फटाफट क्लासेस दी जाएंगी आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा पूरा रिवीजन करिएगा क्योंकि हम जो पेपर में पेपर का जो लेवल है आपके जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे तो इससे पहले इन दस प्रश्नों का रिविजन करने से पहले जितने विद्यार्थी भी, भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर लें नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो तो प्राप्त हो और इससे पहले आपके जिन्होंने टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस नहीं देखे हैं टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है जिन्होंने नहीं देखें उसको भी जाकर देख ले नीचे लिंक दिया गया है वहां से आप लोग दे सकते हैं चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस में लगाई गई हैं वहां पे भी देख सकते हैं टॉप हंड्रेड क्वेश्चंस की इसकी दोस्तों पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ डी एफ कहां से मिलेगी तो पीडीएफ दोस्तों आपके नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए वहां से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी चलिए दोस्तों दोस्तों आते हैं इन क्वेश्चनों पे क्वेश्चंस आने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें फटाफट दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए जल्दी से रिविजन करेंगे उत्तरी ध्रुव में के भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो दोस्तों हिमाद्री है क्या है हिमाद्री है नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन डेल्टा दोस्तों गंगा नदी बनाती है कौन सी नदी गंगा नदी बनाती है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाब सुरंग किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है किस राज्य में स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे दोस्तों

तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है किस नदी पर झेलम नदी पर दोस्तों परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए आपके एग्जाम्स में एक से दो नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है तो दोस्तों कौन थे तो दोस्तों ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे दक्षिणतम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है तो दोस्तों दक्षिणतम मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है स्थित है सिकंदराबाद में स्थित है नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है वो कौन सा अधिकार होता है तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे हांग हो नदी सागर में गिरती है तो दोस्तों आपकी हांग हो नदी पीत सागर में गिरती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है हंग हो नदी किस सागर में गिरती है तो पीत सागर में गिरती है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नौ की बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे आप लोग संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है तो दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद एक के द्वारा की गई है किसके द्वारा अनुच्छेद एक के द्वारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दस की बात करेंगे किस किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा है तो दोस्तों अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसप ने किसने अशोक के जो अभिलेख हैं उसको किसने पढ़ा है जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा है तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप टेन क्वेश्चंस आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जितने विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद दोस्तों नमस्कार थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो